ये कुछ अक्षर पास टाइप्स हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है वो मेनली हेल्दी केस है, ठीक है ना। क्या बात करेंगे अपन इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ये जो वर्ड होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ये वर्ड होता है वो हर एक डिजीज के अंदर इसका ट्रांसमिशन आता है। तो अपन एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। वर्ड को हेडलाइन में लिखेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वह ट्रांसमिशन जिसके माध्यम से जो बैक्टीरिया होता है वो अपने किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बहुत अलग अलग माध्यम से कोई भी बैक्टीरिया वायरस उस व्यक्ति तक तो पहुंच सकता है। तो इसके जो बात करते हैं कौन कौन से माध्यम होते हैं या रस्ते होते हैं, तो सबसे पहला अपन बात करते हैं तो डायरेक्ट के द्वारा, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जो एक व्यक्ति बीमार है उससे दूसरा व्यक्ति डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं आता है, मगर उसके कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वो क्लोथ्स है या फिर ऐसे कुछ इक्विपमेंट है जिसका यूज करके वो वहीं छोड़ देते हैं, उसके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं वो कोज क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं डायरेक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं। बात ये जो डायरेक्ट के अंदर आएगा, सबसे पहले अपन बात करें जो इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इंफेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्ट संपर्क में आना, इंफेक्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट टू अदर पर्सन। फर्स्ट अपने क्या हो गया, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्ट, जो दूसरा व्यक्ति उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, डायरेक्ट बोले तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठने से उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट टू अदर पर्सन, ठीक है ना। वो अदर पर्सन से कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जैसे किस प्रकार आएगा तो अपन बात करते हैं। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, अगर उससे किसी प्रकार का अपन किसिंग वगैरह या फिर अपन जब भी जो अपन बात करते हैं उसके हाथ मिलाता हो या फिर उसे गले मिलता हो, ठीक है ना, तो उसके छूने से भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो किसी प्रकार के अदर अपने बच्चे को या फिर अदर जो उसके क्लोज ही रिलेटिव या उसके जो वाइफ हो तो उसमें किसिंग करने से भी डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तथा इंटरकोर्स करने के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान भी एक प्रकार का कौन सा कॉन्टेक्ट होगा, ये भी एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, जिससे अपन कौन सा कॉन्टेक्ट होता है, इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट टू अदर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन सेकंड होगा अपना ड्रॉपलेट, कौन सा होगा ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा जो संक्रमित है, ये भी एक
डायरेक्टली का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसके द्वारा अगर वो कफिंग स्नीजिंग
संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण को इन माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें सबसे पहला कौन सा है, वाहक या वाइपर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो भी अपन पानी, हवा, दूध या फिर मिट्टी जैसे निर्जीव अजीवित वस्तुएं होती है, वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आती है और वो फिर किसी ना किसी तरीके से अदर पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन से संपर्क में आ जाए, तो उससे भी ये क्या कर देती है, इन्फेक्टेड कर देती है। तो इससे कौन सा कहेंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। और जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा वो कौन सा होगा, वाइपर्स या वाहक, ठीक है ना। अजीवित वस्तुओं द्वारा। अब बात करते हैं दूसरा अपना, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। मैकेनिकल ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, जो भी जो एनिमल्स होते हैं या जीव जंतु होते हैं उसके जो घूमने से या फिर उसके जाने से जब ट्रांसमिशन, वो संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण को जब वो व्यक्ति अपने पैरों के द्वारा या अपने स्किन के द्वारा उस संक्रमण को दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है, तो ट्रांसमिशन को अपन कौन सा ट्रांसमिशन कहेंगे, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, जीवो द्वारा यांत्रिक प्रसार। किसी भी एनिमल्स के द्वारा उसके चलने या फिर उसके घूमने के दौरान जो संक्रमण को साथ में ले जाकर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है, इस ट्रांसमिशन को अपन मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने जो भी एनिमल्स, पेड़ वगैरह, इनके जो एक घर से दूसरे घर में जाने से जो उसके स्किन के या हेयर्स या बालों के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होते हैं, जो दूसरे संक्रमित व्यक्ति के होते हैं और वो नॉर्मल व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा ट्रांसमिशन कौन सा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट में कौन सा, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। इससे वाहक वायरस में तो अजीवित वस्तु थी, इसमें कौन सी है, जीवित या लाइव एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अपने पास तीसरा जो ट्रांसमिशन कौन सा होगा, इंटरस्टेलर ऑर्बिट्स। इंटरस्टेलर ऑर्बिट्स का, तो ये जो पिस्सू होता है, इस पिस्सू के अंदर या
इस टिश्यू के ऊपर कौन से जीव रहते हैं? एक अदर वायरस या बैक्टीरिया रहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं वो कौन सी डिजीज फैलाएंगे? कोई भी डिजीज फैलाते हैं, जैसे प्लेग। जो टिश्यू होते हैं वो परजीवी के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, ना तो वो अपना ट्रांसमिशन या फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस वहां पर वो रहते हैं। और दूसरे व्यक्ति तक जब टिश्यू जाता है और वो उस वायरस को वहां वो वायरस वहां से चला जाता है और उस नॉर्मल व्यक्ति को संक्रमित करता है। तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को अपन इंटेस्टाइनल आउटब्रेक कहते हैं। और इस इसके अलावा जो दूसरा होता है, एक होता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजी का जो ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के अंदर जो वायरस जो होता है वो किसी जो जीव होता है या कुछ भी, वो वायरस इस एनिमल इस जीव के अंदर रहता नहीं है, बल्कि इसके अंदर रहता भी हो मल्टीप्लिकेशन अपनी संख्या भी बढ़ाता हो तथा ग्रोथ भी करता हो, तो वो चीज जब किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करती है तो उसे अपन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और ऐसा कौन सा जीव होता है जो अपन बात करते हैं? बोलते हैं फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज की बात करें, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया को ट्रांसमिशन करता है, उसके अंदर जो वायरस जो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? मलेरिया कोच करता है, मगर उस मादा एनोफिलीज के अंदर वो रहता है और वहां भी मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को अपन बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन करते हैं। और ये मेनली कौन से और तरीके से होता है? इनडायरेक्ट तरीके से होता है। तो अपन ने इनडायरेक्ट तरीके से तीन चार की बात की, वाहिकल्स या वाहक जो अजीवित वस्तुओं के द्वारा होता है, ठीक है ना, जैसे अपन बात करते हैं मिट्टी धूल ठीक है ना, पानी हवा लाइट। मैकेनिकल ट्रांसमिशन किसे कहेंगे? जिसके द्वारा किसी की जो एनिमल्स होते हैं उसके घूमने के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसे अपन मैकेनिकल ट्रांसमिशन। और इंटेस्टाइनल आउटब्रेक अपन किसे कहेंगे? जो किसी भी ऐसे जीव जो जो परजीव को पालते हैं तथा वो परजीवी या पनवा देते हैं और वो परजीवी किसी अदर व्यक्ति को संक्रमित करते हैं उसे अपन इंटेस्टाइनल आउटब्रेक कहेंगे। और बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन किसे कहेंगे? जो ऐसे एनिमल जो किसी भी परजीवी को पालने के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ तथा उसके साथ ही रहते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को जब संक्रमित करते हैं तो उसे बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये अपने मोनो ट्रांसमिशन जो आपको याद रखने हैं। जो मेनली जो ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट होता है, जो मेन ड्रॉपलेट जिसके द्वारा होता है कपलिंग स्नीजिंग एंड स्पीकिंग, जो उसके ड्रॉपलेट होते हैं तो दूसरे व्यक्ति के रेस्पिरेटरी मार्ग के द्वारा उसको जाके वहां पे उसको इंफेक्टेड करते हैं और तथा डिजीज कोज करते हैं। तो नेक्स्ट अपन आज बात करेंगे डिजीज के बारे में। तो अपने सबसे पहली डिजीज कौन सी होगी? मीजल्स। मीजल्स को अपन रूबियोला भी कहते हैं, क्या कहेंगे? रूबियोला भी कहते हैं। जो मीजल्स होती हैं ये अपने
अपन ने बात की थी कम्युनिकेबल डिजीज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, बैक्टीरियल बोर्न डिजीज, वायरस बोर्न डिजीज, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो इसके बाद करते हैं, तो ये सबसे पहले वायरस बोर्न डिजीज के अंदर जो आती है वो मीजल्स, किसके द्वारा होती है, तो वायरस के द्वारा होती है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रूबीओला होता है। क्या नाम होता है, रूबीओला होता है। ये जो मुख्यतः जो किसको होती है, तो बात करेंगे बच्चों के अंदर पाई जाती है, जो 5 साल से छोटे होते हैं। तो ये जो मीजल्स होता है इसके अंदर क्या होता है मेनली, इससे दूसरा नाम रूबीओला होता है। और ये बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, बड़ों के अंदर इतनी ज्यादा नहीं। बच्चों के जो इम्यूनिटी पावर होते हैं कम होने के कारण उसको जल्दी से ये इन्फेक्टेड कर देती है। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर मेनली जो रेड स्पॉट अपन को दिखाई देते हैं, रेड स्पॉट दिखाई देते हैं शरीर के ऊपर, रेसेस दिखाई देते हैं मीजल्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसके बाद करते हैं, तो ये मेनली जो इसके अंदर जो मीजल्स के अंदर या इसका दूसरा रूबेला, इसके अंदर मेनली जो सिम्टम अपन याद रखते हैं, तो कौन से जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं इसको, हाई ग्रेड फीवर, फीवर होगा तथा उसके साथ में इसको क्या होगा, एसेस, ठीक है ना, तथा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी